हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एज वेल, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे अच्छी बात, इस टॉपिक में आपको समझना कम है, आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, नाम याद रखने हैं और नंबर्स याद रखने हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर ह्यूमन फिजियोलॉजी ब्रांच। और आपकी बुक में ये लोकोमोशन एंड स्केलेटल मूवमेंट या सिस्टम के नाम से दे रखा है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और एक फ्लो चार्ट बनाएंगे सिंपल, जिसमें सारी चीज़ें आपके काम की होंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आर टुडेज टॉपिक विच इज स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इट्स स्केलेटल सिस्टम। आई होप विजिबल होगा ये। नहीं है, विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ ऊपर हेडिंग ही डाला है जी। बट हम लोगों को यहाँ पर वन शॉट करना है। क्या करना है? वन शॉट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसको आप दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है। 206 हड्डियाँ हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं हमारे अंदर, ये भी लिख लीजिए, 206 ये हड्डियाँ हैं हमारे अंदर, और हमें इनको बांटना है। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। पहला होता है एक्सियल, ठीक है, एक्सियल। बताऊंगी इसका मतलब क्या है। उसके बाद है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। ठीक, इसका मतलब क्या है एक्सियल? देखिए, नाम से ही आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इट्स एक्सिस, यानी कि वो सिस्टम, वो स्केलेटल सिस्टम या वो बोन्स जो हमारे सेंटर में, बॉडी के सेंटर या मेन एक्सिस में प्रेजेंट हैं, उन्हीं को हम एक्सियल सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर्स का मतलब है एक्सिस को छोड़कर, जैसे ये हमारी बॉडी का मेन एक्सियल सिस्टम हो गया, इसके साइड में क्या है, हमारे फिंगर्स, आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर दो हैंड्स यानी कि लिम्ब्स हैं हमारे, तो जितने भी लिम्ब्स हैं उनको हम अपेंडेजेस बोलते हैं। तो यहीं से निकला है वर्ड अपेंडिकुलर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। मेरा एक सजेशन रहेगा आपको, आप पहले वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाइएगा, क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे साथ साथ बनाओगे अभी तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो एक्सियल सिस्टम में हमारी 80 बोन्स आती हैं। कितनी? 80 बोन्स, यहाँ लिख लेंगे 80। जो भी नंबर हो उसको ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर होंगी 126 बोन्स। अब हमने डिवाइड कर लिया 206 को इतने में, अब हम आगे इसको फर्दर और डिवाइड करने वाले हैं। तो एक्सियल सिस्टम में देखिए हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक, पहला है, फर्स्ट इज योर स्कल, यानी कि खोपड़ी, स्कल, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्टिब्रीज, यानी कि जो आपका पीछे का बैक बोन है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड सेफ है, उसी को वर्टिब्री कहा गया है। वर्टिब्री से मिलकर बनता है वर्टिब्रेज कॉलम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वर्टिब्री, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिब्स, ठीक है। रिब केज बनता है जिसमें हमारा हर्ट और लंग्स दोनों सुरक्षित रहते हैं, ठीक। तो बेसिकली रिब्स आर द पार्ट ऑफ थोरैसिक कैविटीज, ठीक है। थोरैसिक हम कह सकते हैं थोरैसिक पोर्शन का पार्ट है, हेड, थोरैक्स यानी कि ये पूरा पार्ट, और एब्डोमेन यानी कि डायफ्राम से नीचे का पार्ट हमारा एब्डोमेन कहलाता है। कई सारे टर्म्स हैं जो हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, जैसे मैंने आपको एक्सियल बताया, अपेंडिजेस बताया, उसी तरीके से आपको बता रहे हैं हम थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सो हेड, थोरैक्स जो हेड से नीचे का पार्ट है और डायफ्राम से ऊपर का पार्ट है, और फिर एब्डोमेन। देखिए, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसको समझने के लिए आप खुद एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो जितना भी हम यहाँ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपनी बॉडी से, क्योंकि सब कुछ आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सबसे अच्छा तरीका है ये ह्यूमन फिजियो को पढ़ने का। तो आज हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, देखिएगा आपको खुद समझ में आएगा, बहुत ईजी आप कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आप इसको अपनी बॉडी से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर था रिब्स, वर्टिब्रीज एंड रिब्स, अभी इसकी कैलकुलेशन पर लिखूंगी, ओके। तो स्कल, स्कल का मतलब खोपड़ी जिसके अंदर दिमाग है, ठीक। दिमाग किसके अंदर होता है? क्रेनियम कैपिटी के, कैविटी के अंदर होता है, ठीक। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे क्रेनियम, बहुत डिस्कस करना है हमें इसमें, ये क्रेनियम, ठीक। क्रेनियम के बाद आता है फेस, क्योंकि हमारे फेस में भी कुछ हड्डियाँ हैं जो फेस बना रही हैं, तो फेस आ गया। उसके बाद आती है थायरॉयड बोन, जो हमारे कह सकते हैं इस पार्ट में है, ठीक। तो ये एक होती है, मैं इसका कैलकुलेशन अभी लिखूंगी, थायरॉयड बोन वन है। फेस में 14 हड्डियाँ होती हैं,
क्रेनियम में, यानी कि जो ब्रेन बॉक्स है जिसके अंदर आपका ब्रेन सुरक्षित है, उसमें 8 हड्डियां होती हैं। और फिर आते हैं ईयर्स। भाई ईयर्स भी तो स्कल का ही पार्ट है, ठीक। तो ईयर क्योंकि दो हैं तो हम यहाँ पर मैं टोटल 6 लिख रही हूँ, बट 3 इसके लिए लिख रही हूँ और 3 दूसरे ईयर के लिए लिख रही हूँ। इसको समझना ज़रूरी है, मैं सब टोटल लिख रही हूँ, ठीक है। तो ईयर क्योंकि दो होते हैं तो मैं किस तरह कैलकुलेट कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर आपको बता रही हूँ। देखिए 3 होती हैं, 3 इधर 3 इस कान में, दोनों को डबल कर देंगे कितना हो गया, 6 हो गया। तो जो नंबर्स आपको नोट करने हैं वो ये हैं, ये वाले, ठीक है। और स्कल, स्कल में यहाँ पर होगा 29, ठीक है, 29 कैलकुलेशन होगा। 80 में से भी 29 हमने यहाँ बांट दी जिनका फर्दर क्लासिफिकेशन ये रहा। अब हम इसे कैलकुलेट करके देखिए क्या 29 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो स्कल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे वर्टिब्रीज की, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पूरे को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, और इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इट्स 13। ये सब 13 फिगर्स की चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रीज कितनी है, 13 पेयर है, ठीक है। 13 पेयर यानी 13 × 2 कर देंगे तो क्या हो गया, 26। तो आपको बेसिकली ये पढ़ना है, ठीक है, 26 हो गई। उसके बाद है रिब्स। रिब्स में मैंने जैसे बताया इट्स फिगर 13, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 13 को तोड़ लीजिए, 12 + 1, तो यहाँ पर 12 पेयर रिब्स हैं। और एक बीच का स्टर्नम है जो रिब्स को जोड़ता है, जो रिब्स केज को जोड़ता है, वो एक ही होता है, वो पेयर में नहीं होता। तो इसको मिलाकर टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, राइट। 24 ये और एक ये, हो गया आपका 25। तो अब जो मैंने ब्रैकेट्स में बंद करे हैं यानी 29, 26 और 25, इनको आप कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 80, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सियल सिस्टम जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है, यानी मेन एक्सिस पे जो जो चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना है यहाँ पर क्रेनियम के बारे में, ठीक है। 8 हड्डियाँ हैं, 8ों के नाम हैं, और हमको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से भी। बट स्केलेटल सिस्टम आई मस्ट से एक ऐसा सिस्टम है जो शायद आप खुद से नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, क्योंकि थोड़ा टफ लगता है, बट इट इज़ वेरी इजी अगर आप फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आज मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी विद कैलकुलेशन, विद टर्मिनोलॉजी, आपको सब कुछ मैं एज इट इज़ यहाँ याद करा दूँ, ठीक। तो स्कल में हमने पढ़ा क्रेनियम, एंड लेट्स फोकस क्रेनियम। 8 है, इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, सॉफ्टी, सॉफ्टी पी, ठीक। क्या मैंने न्यूमोनिक यूज किया है, इट्स सॉफ्टी, SOFTE, सॉफ्टी पी। 8 बोन्स हैं ये, अब मैं बता रही हूँ कैसे। एस फॉर, एक मिनट बचो, यस इट्स टेम्पोरल पैराइटल एंड दिस। सबसे पहला है सैक्रम, क्या है सैक्रम, एस फॉर सैक्रम, सैक्रम, ओ से ऑसिपिटल, ठीक। एफ से फ्रंटल, ये माथे वाला जो है इसको कहते हैं फ्रंट फॉरहेड, तो ये है फ्रंटल, क्या है फ्रंटल, FRONTAL, फ्रंटल। उसके बाद है टेम्पोरल, देखिए टेम्पोरल वो बोन्स हैं जो कि हमारे ईयर्स के पास होती हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो टेम्पोरल बोन दो होंगी, क्यों, क्योंकि हमारे ईयर्स भी दो होते हैं, तो टेम्पोरल, क्या है टेम्पोरल, दो हैं यहाँ पर, बाकी सब एक एक है, ठीक, बाकी सब एक एक ही होती है। उसके बाद आता है आपका इथेमॉइड, कौन सा बोन है इथेमॉइड, ये भी एक ही है। और उसके बाद है पैराइटल, पैराइटल ये दो होती हैं, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने 8 का कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया है। लेट्स काउंट विद मी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन क्रेनियम के लिए, किसके लिए था, क्रेनियम के लिए। तो क्रेनियम की 8 हड्डियों के नाम बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया है। एंड योर ट्रिक इज सॉफ्टी पी, ठीक है, सॉफ्टी पी, या इट्स, अच्छा यहाँ पर, हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, एक्चुअली इट्स नॉट सैक्रम, सैक्रम बोन तो अलग है, ठीक। ये यहाँ पर स्फीमॉइड आएगा, आप स्फीमॉइड लिखिए, ये गलत हो गया मुझसे, स्फीमॉइड, एज फॉर स्फीनॉइड बोन, क्या है एज फॉर स्फीनॉइड बोन, जो कि एक है। उसके बाद है ऑसिपिटल, ठीक, फ्रंटल, फ्रंट बोन, टेम्पोरल, कान के पास की दो हड्डियाँ, पैराइटल, ये टेम्पोरल से थोड़ी सी ऊपर होती है बीच में, और है एथेमॉइड, ठीक है, ये आपका पूरा स्कल बनाता है। तो 8 यहाँ पर कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया।
अब लेट मी जस्ट रब दिस होल कैलकुलेशन, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रिब्स के बारे में, या मैं यही बता दूँ? यस, यहाँ थोड़ी सी जगह है, हम रिब्स के लिए बता देते हैं। रिब्स में कुछ ज़्यादा नहीं जानना, आपको नाम याद नहीं रखने, याद रखना है नंबर अगेन। सो इट्स अ गेम ऑफ बेसिकली नेम एंड नंबर्स, ठीक। तो यहाँ पर रिब्स में मैंने आपको लिखवाया 12 पेयर रिब्स हैं, यानी 24 होगी, ठीक है। इसमें से 8th पेयर, 9th पेयर और 10th पेयर, क्या 8th पेयर, 9th पेयर और 10th पेयर, 10th पेयर, इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉल्स रिब्स, ठीक, फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं बताऊंगी। उसके बाद ये 11th पेयर एंड 12th पेयर, क्या 11th पेयर एंड 12th पेयर, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। नाम से आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपके फ्लोटिंग रिब्स, आई होप ये आपको विजिबल होगा। हाँ, हो रहा है, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्यों? उसका रीजन है, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका रिब केज है, ये होता है स्टर्नम, जो दोनों केजेस को बीच में से जोड़ा हुआ है और सिंगल है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, दिस इज योर स्टर्नम एंड यहाँ पर है रिब केज। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से, क्योंकि आप अगर कभी भी आपने स्केलेटल सिस्टम देखा हो, स्केलेटल देखा हो, तो इस तरह से है वो, यहाँ से छोटा है। तो ये हो गया 8th, 9th, 10th। फॉल्स इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कम्प्लीटली ये यहाँ तक नहीं है, या कह सकते हो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इनका? कि ये कनेक्टेड नहीं है स्टर्नम से। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद आई होप ये विजिबल हो, यस। उसके बाद यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स के बारे में बात करें तो 11th पेयर इस तरह से है, जस्ट लाइक दिस ओनली, ठीक है। उनका कोई कनेक्शन नहीं है, या तो वो इस तरह से जुड़ा हुआ होगा ऐसे। तो आप समझ रहे हैं हमने क्या किया, एक उसको बस एक पॉइंट से पकड़ा हुआ है, दूसरे पॉइंट को छोड़ दिया। देखिए, एक पॉइंट से पकड़ा हुआ है, दूसरे पॉइंट को छोड़ दिया, तो ये जस्ट लाइक ये फ्लोट कर रहा है, हिल रहा है, ठीक है। मतलब मूवेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया फ्लोटिंग रिब्स। तो 11th पेयर और 12th पेयर क्या होते हैं? फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए और इस फ्लोचार्ट को आप अच्छे से बनाइएगा। आई डोंट हैव स्पेस ऑन बोर्ड, दैट इज़ वाई थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है यहाँ पर, बट आई होप आप समझ लेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देती हूँ फटाफट, एंड लेट्स टॉक अबाउट अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब जिसके अंदर लिम्ब्स आते हैं। क्या आते हैं? लिम्ब्स। वन सेकेंड, यस, आई होप आपको समझ में आ गया। लिम्ब्स में भी बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इजीली पढ़ पाएंगे, ठीक। तो लिम्ब्स में मैंने यहाँ पर आपको बताया अपेंडिकुलर सिस्टम, हम बात किसकी कर रहे हैं? अपेंडिकुलर सिस्टम की, ठीक, जिसमें मैंने 126 कैलकुलेशन लिखवाया है। अब इसको प्रूव करना है कि 126 है तो कैसे है। हमारे पास फोर लिम्ब्स हैं, फोर लिम्ब्स यानी कि हाथ। फोर लिम्ब्स का मतलब जो हमारे पास आगे की तरफ है लिम्ब्स, ठीक है। तो फोर लिम्ब्स, इट्स एफ ओ आर ई, एफ ओ यू आर वाला फोर नहीं है, ठीक है, फोर लिम्ब्स। उसके बाद है हिंड लिम्ब्स, यानी कि जो नीचे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप एडिशन में यहाँ पे लिखिए गर्डल्स, ठीक, गर्डल्स। तो फोर लिम्ब्स में क्या क्या आ जाएगा? 60 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पर भी 60, और यहाँ पे आप लिख लीजिए 6 गर्डल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। आई थिंक ये 60 आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, यहाँ लाइट इस पर फोकस कर रहा है। यहाँ लिख दूँ मैं? हाँ, शायद इधर आना चाहिए, ठीक है, 60, ठीक है। अब इसे प्रूफ करेंगे कैसे? देखिए, 60 हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे दो हाथ हैं, इसीलिए 60 बोल रहे हैं। सो इट्स अ डबल नंबर, बट यहाँ पर मैं कैलकुलेशन आपको दे रही हूँ 30 का, उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 60 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दो हाथों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी सबसे पहली बोन जो शोल्डर से यहाँ तक है, शोल्डर से एल्बो तक है, ठीक, आप भी अपने बॉडी में ये नोटिस करेंगे, ठीक है। शोल्डर से यहाँ तक की जो बोन है उसको हम बोल रहे हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस, ओके। तो ह्यूमरस, क्योंकि मैं एक हाथ की बात कर रही हूँ तो मैं एक लिखूंगी इसको, वन। उसके बाद आती है रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, ठीक है, दो होती हैं ये, रेडियस एंड अल्ना, इस वाले पार्ट की अब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कार्पल्स,
कार्पल्स, कार्पल्स को हिंदी में आप देखो कलाई बोलते हो, रिस्ट बोलते हो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, इजीली मूव कर सकती है। तो इसमें ऑब्वियसली बात है, अगर मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है तो हड्डियाँ भी इसमें ज़्यादा होंगी, ठीक है। एट होती हैं, एट कार्पल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स का मतलब है ये वाले पार्ट्स, कलाई से ऊपर का पार्ट। अपने हाथ में ऑब्जर्व कीजिए, पाँच ही होंगे क्योंकि पाँच उंगलियाँ हैं जो कार्पल से कनेक्ट करती हैं फैलेंजेस को यानी फिंगर्स को। ये हो गई आपकी मेटाकार्पल्स, तो कितनी हो गई, पाँच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आपके फैलेंजेस, फैलेंजेस। देखिए सामान्य भाषा में उंगलियां कहा जाता है, फिंगर कहा जाता है, बट अगर हम टर्म की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम में फिंगर्स को फैलेंजेस कहा गया है। तो मेरे पास कितनी है, पांच है, आपके पास भी पांच ही होंगे, तो फैलेंजेस। थंब भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, थंब भी फैलेंजेस में इंक्लूडेड है, ठीक। तो फैलेंजेस हम यहाँ पे लिखेंगे 14 होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए थंब थोड़ा छोटा है तो इसमें एक हड्डी कम होगी इसीलिए छोटा है। कैसे लिखेंगे इसको, थ्री बोन्स है यहाँ पर, यहाँ पर भी थ्री बोन्स है। देखो जॉइंट अपने काउंट करो, आप यहाँ मूव कर सकते हो इसको, राइट, देखो यहाँ मूव कर सकते हो, फिर फिंगर को इधर से भी मूव कर सकते हो और फिंगर को इधर से भी मूव कर सकते हो, यानी तीन जॉइंट, तीन बोन्स है तो इनके बीच में जॉइंट्स हैं। तो ऐसे लिख सकते हो 14 को भी थ्री फॉर दिस, थ्री 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 टू, थ्री 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 टू, ठीक है, टू, क्योंकि थंब में सिर्फ दो बोन्स हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो ये बिल्कुल 30 को प्रूव करेगा, डबल कर लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। देखो काउंट करते हैं फटाफट से, ये हमें काउंट करना है, ऐसे सर्कल कर लेते हैं। देखिए 14 और 5 19 19 और 1 20 8 और 2, ये हो गया आपका 10, दोनों को मिला दिया हो गया 30। तो 30 का कैलकुलेशन हम यहाँ 4 लिंक्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स टॉक अबाउट आर हिंड लिम्स, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है इन्हीं की तरह, बस दो तीन नाम चेंज हो जाएंगे, दैट्स इट, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट हिंड लिम्स। यहाँ पर भी मैं 30 का कैलकुलेशन आपको बताऊंगी, 30 को आप डबल कर लेंगे क्योंकि दो पैर होते हैं तो आपका काम हो जाएगा। वन सेकंड, मुझे आई थिंक यहाँ आना चाहिए, ठीक है। ह्यूमरस, ह्यूमरस की जगह हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बिगेस्ट बोन होती है जिसे हम फीमर कहते हैं, यानी कि थाई बोन। क्या है, फीमर। मैं यहाँ थाई वर्ड नहीं लिखूंगी, सिर्फ आपको बता रही हूँ आपको क्या लिखना है, फीमर लिखना है, एक ही होगी क्योंकि एक पैर की हम बात कर रहे हैं। फीमर के बाद आता है नी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है, तो नी, नी में एक बोन होती है जिसे बोलते हैं पैटेना, ठीक है, अगेन इट्स वन, ठीक। उसके बाद आएगा आपका टिबिया फेब्यूला, टिबिया फेब्यूला, टिबिया फेब्यूला। अगर मैं डायग्राम की हेल्प से बताऊँ तो मान लीजिए ये फीमर है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आप इसे बनाकर नहीं आएंगे, ठीक है। ये आपके एब्डोमेन से जुड़ा हुआ है, ये बोन से जुड़ा हुआ है नीचे से, ठीक है। यहाँ पर है पैटेला, ओके, द नी कैप, पैटेला को और क्या बोलते हैं, नी कैप भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है टिबिया फेब्यूला, एक बोन ऐसे, एक बोन ऐसे। उसके बाद आपकी यहाँ पे फुट है जो आपको दिखता है, ठीक है। तो ये है टिबिया एंड दिस इज फेब्यूला, तो दो है यहाँ, फटाफट से दो लिख देंगे। उसके बाद आते हैं टार्सल्स। देखिए हम लोग, वन सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस डायग्राम। उसके बाद आता है टार्सल, जहाँ पर हम कार्पल्स बोल रहे थे रिस्ट को, उसी तरीके से हम इसी जगह को, यानी कि पटेला और टिबिया फेबुला के बाद की जो जगह है जहाँ से फिर मेटाटार्सल्स निकलेंगी, तो कलाई की तरह ही एक मूवमेंट वाला फीट होता है। मान लीजिए अभी मैं अपने पैर, तो आपने अपने पैर आप खुद देखिएगा, ठीक है, तो आप इस तरह देख सकते हैं, यह आपका पैर है, तो पैर में जो ये वाला स्पेस है, देखिए टिबिया फेबुला ये हो गया, पैर में जो ये वाला स्पेस है जो फुट को जॉइंट करता है, इसको बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं, टार्सल। और टार्सल में सात हड्डियाँ होती हैं। क्या होती हैं, सात हड्डियाँ, टार्सल लिख रही हूँ, सेवन हड्डियाँ इसके अंदर होंगी। बहुत ही फ्लेक्सिबल और मूवमेंट वाला पार्ट होता है, इसको आप एंकल बोल देते हैं, ठीक है, एंकल। उसके बाद आता है आपका, क्योंकि टार्सल है तो फिर टार्सल से क्या कनेक्ट होगा, इट्स मेटाटार्सल्स। क्या होगा, मेटा, मेटाटार्सल्स, ठीक है। और मेटाटार्सल्स में अगेन पांच हड्डियां आपकी होती हैं क्योंकि आपकी उंगलियां भी पांच होंगी, ठीक। मेटाटार्सल्स के बाद हम पैरों की उंगलियों को भी फेलिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलिंजेस। तो अगेन आई एम राइटिंग हियर फेलिंजेस, एंड फेलिंजेस आर 14 इन नंबर। अगेन इनका कैलकुलेशन भी वही रहेगा, 3 3 3 3, यानी चार बार 3 और 2, लिख दे रही हूं यहां पे भी 3 3 3 3 एंड 2, विजिबल होगा, ठीक है। इसको आप, ये आपका पैर का है यानी विंड लिप्स का है,
सामान्य भाषा में मैं लिख दे रही हूँ लेग, और फोर लिंक्स को हम बोल रहे हैं हैंड। ठीक है, इतना आपका ये कैलकुलेशन हमने कंप्लीट करा दिया। लेट्स टॉक अबाउट गर्डल्स। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट गर्डल्स। तो गर्डल्स कितनी है आपकी? छह गर्डल्स होती हैं। कौन सी गर्डल्स का मतलब है? देखिए जॉइंट समझ लीजिए पहले। गर्डल्स का मतलब है जॉइंट्स, हमने अपेंडिजेस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे इस फ्रेम की। ठीक है, ये फ्रेम जो हमारे दो जगह पर है, जो हमारे इसका हमारे हेड को थोरेक्स से कनेक्ट कर रहा है, तो इस फ्रेम में आपके चार हड्डियां होती हैं। ये फ्रेम चार हड्डियों से मिलकर बना है, और जो नीचे आपका एब्डोमिन है, ठीक है, जहाँ पे आपके लेग्स कनेक्टेड हैं, उसे हम एब्डोमिन बोलते हैं उस पार्ट को, तो उसमें दो हड्डियां हैं। ठीक है, अगेन आई एम डिवाइडिंग दिस, गर्डल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वन सेकेंड, लेट मी चेंज माई मार्कर। यस, तो गर्डल्स में कौन कौन से हैं? पैक्टोरल गर्डल्स, पैक्टोरल गर्डल्स एंड पैल्विक गर्डल्स। देखो पैल, पैल से याद रख सकते हो पैर। ठीक है, पैक्टोरल, पैक्टोरल एंड पैल्विक गर्डल्स। ठीक, पैक्टोरल में आपकी चार होंगी, पैल्विक में दो होंगी। ठीक है, दो मैंने पैक्टोरल में चार हैं। अब इन चार को भी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ये नंबर्स ऐसे लिख लेते हैं, और ये नंबर हमारा फाइनल नंबर है। ठीक, तो पैक्टोरल में आपके दो दो पेयर होंगे, एक तो होगा क्लैविकल, क्लैविकल और स्कैपुला। ठीक है, क्लैविकल एंड स्कैपुला, दो क्लैविकल हैं, दो स्कैपुला हैं हमारे पास। स्कैपुला पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये ट्राइंगल शेप हड्डी है, कैसी है? ट्राइंगल शेप बोन है, ट्राइंगुलर बोन है। और क्लैविकल को आप क्या बोलते हो? सी फॉर क्लैविकल एंड सी फॉर कॉलर बोन। क्या है? कॉलर बोन। ठीक है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, जो अगर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो सबसे पहले नेक के पास आपको कॉलर पे यहाँ पर ये बोन्स दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, राइट? तो इन्हीं बोन्स को हम क्या बोल रहे हैं? कॉलर बोन्स बोल रहे हैं। तो ये होती हैं दो। ठीक है, और स्कैपुला मतलब जो आपकी बैक पर ट्राइंगुलर बोन्स होती हैं, जब भी अपना हाथ आप ऊपर नीचे करते हैं तो वो बोन्स भी यहाँ पर उभर कर आती हैं। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, मैंने पहले ही बोला था कनेक्ट कीजिए अपनी बॉडी के साथ। ठीक है, तो ये है स्कैपुला, ट्राइंगल शेप बोन होती है। आई होप मैंने इतना आपको समझा दिया है, आपके होगा समझ में। पैल्विक गर्डल्स, पैल्विक गर्डल्स को हम कॉक्सल बोन्स भी कहते हैं। बस इतना याद रखिए, इसमें दो कॉक्सल बोन है। ठीक है, कॉक्सल बोन जो हमारे लेग को हमारे एब्डोमिन से जोड़ने का काम करती हैं। ठीक, तो आज इस जो हमारा स्केलेटल सिस्टम था वो इतना ही था। इसमें हम वर्टिब्रीज भी पढ़ सकते हैं, बट आई थिंक इतना आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। कोशिश करूंगी कि मैं आपको मस्कुलर सिस्टम भी पढ़ा दूं, कि मसल्स कैसे काम करती हैं, उनमें कैसे सिग्नलिंग होती है, किस चीज़ की बनी हुई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ डाइजेशन सिस्टम भी ले सकती थी, बट मैंने ये इसीलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा अनयूजुअल टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि आप इसे खुद से ऐसे पढ़ते होंगे। तो बेसिकली हम हमेशा ह्यूमन फिजियो में हमेशा हम लोग सिस्टम्स को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं, है ना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। स्केलेटल सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप चाहें तो इसको इजीली कवर अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नाइस फ्लो चार्ट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और ख़ुद से फ्लो चार्ट एक पेपर पे अच्छे से बना लेना। ठीक है, एक दो बार आप बनाएंगे आपको बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच।